आप देखिए आपको सबसे बड़ा डेलीगेशन आंध्र प्रदेश से आ रहा है। करनाल के मीडिया के माध्यम से करनाल की आवाज को, जनता की आवाज को, समाज की आवाज। एक पहले आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। हमारे बीच में भरत जेठमारी जी आए हैं, स्पेशली ये हमारे महाराष्ट्र ब्रांच के। और भरत जी स्पेशल एक हफ्ता पहले सिर्फ इसलिए आए हैं कि जितनी भी स्टेज की व्यवस्था या, तो मैं भरत जी को स्पेशली आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था। भरत जेठमारी जी जो बहुत अच्छे कलाकार हैं लावनी के, मैं सभी की ओर से मैं अपने साथियों को स्वागत भी करता हूँ जी। हरीश शर्मा जी निफा के जनशक्ति हैं, महासचिव हैं, आप सभी परिजन हैं निफा के, ड्यूटी में लिया गया है एज ए फाइनेंशियल सेक्रेटरी, पूरी शिद्दत से साथ ही काम कर रहे हैं। रंजीत ग्रेटा जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और बाकी हमारे निफा के इस पूरी व्यवस्था को, क्योंकि बड़ी इस बार व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए। बकायदा उनका हमने 2 दिन की वर्कशॉप भी रखी थी, आपको याद है मैंने प्रेस नोट भेजा। पिछले 6 महीने से जिस कार्यक्रम की तैयारियाँ चल रही थी, हरियाणा के स्वर्ण जयंती को समर्पित हारमोनी 2017 अंतर्राष्ट्रीय युवा एवं सांस्कृतिक महोत्सव, अब उसकी तैयारियां संपूर्ण हो चुकी हैं। 21 से 29 तक अक्टूबर तक ये कार्यक्रम करनाल की अल्फा इंटरनेशनल सिटी में आयोजित होने जा रहा है और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो हमने सोचा था, हमारी सोच को पूरा अंजाम तक देते हुए हर स्टेट ने अपने यहाँ से युवा साथियों की और कलाकारों की लिस्टें भेजी हैं। और आज ये मैं ऑफिशियली डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि 21 से 29 तक करनाल में देश के 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से युवा और कलाकार आ रहे हैं। यहाँ युवा गतिविधियों का और सांस्कृतिक गतिविधियों का, भारतीय सांस्कृतिक विधाओं का एक बहुत बड़ा महोत्सव होने जा रहा है। इसके साथ लगभग 8 देशों की टीमें कन्फर्म हो चुकी हैं, जिनकी टिकटें बुक हो चुकी हैं, जिनका ट्रैवल शेड्यूल हमारे पास आ चुका है। तो 8 अलग अलग देशों से, जिसमें इंडोनेशिया, मॉरिशस, जापान, न्यूजीलैंड, फिजी, हांगकांग, रशिया, यूएई, ये सभी कंट्री शामिल हैं, यहाँ से टीमें आ रही हैं जो करनाल में आकर अपने अपने देश की संस्कृति का प्रदर्शन करेंगी। इसके अलावा बहुत सी एग्जीबिशन रहेंगी, जिसमें सरकारी योजनाओं पर एग्जीबिशन, भगवद गीता पर बहुत सी एग्जीबिशंस रहेंगी, बच्चों के लिए झूले रहेंगे, खाने पीने के स्टॉल रहेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये पूरा कार्यक्रम जो महामंडलेश्वर स्वामी गीता मनीषि स्वामी ज्ञानंद जी की ब्लेसिंग से हम लोग शुरू जो हमने किया था, उसका उद्घाटन हरियाणा के राज्यपाल जो हैं प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी, महामहिम राज्यपाल जो है वो करेंगे 21 अक्टूबर को। और समापन पर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, जूनियर मिनिस्टर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और बहुत सी हस्तियाँ देश और विदेश से, बहुत से इसमें एम्बेसडर शामिल हो रहे हैं, मॉरिशस के हाई कमिश्नर आ रहे हैं, बुल्गारिया के एम्बेसडर आ रहे हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम करनाल में होने जा रहा है। मेरा करनाल वासियों से अनुरोध है कि वो बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लें, पूरे देश से आए हुए युवाओं और कलाकारों के सम्मान के लिए स्वयं भी आएँ और अपने परिवार के साथ आएँ। स्कूल के बच्चों के लिए बहुत से कम्पिटिशन रखे गए हैं। हम लोग समाज के हर तबके का, प्रशासन का विशेष रूप से, करनाल जिला प्रशासन का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हरियाणा स्वर्ण जयंती के इस कार्यक्रम को अपना पूरा सहयोग दिया है। 22 तारीख को इसमें एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है जो एसिड अटैक फाइटर्स का कार्यक्रम है। ये वो बहनें हैं जो अपने आप को विक्टिम नहीं मानती, सर्वाइवर नहीं मानती। इनके चेहरे जले हुए हैं, इनका शरीर जला हुआ है, कईयों की आंखें जली हुई हैं एसिड फेंकने के कारण, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सर्वाइवर नहीं, हम विक्टिम नहीं, हम फाइटर्स हैं। और वो आम मॉडल्स की तरह रैंप पर वॉक करेंगी, अपनी बात भी रखेंगी। और उस दिन निफा पूरे देश के एसिड सर्वाइवर्स के लिए एक विशेष योजना जो है वहाँ पर लागू करेगा कि पूरे देश के एसिड सर्वाइवर के रिहैबिलिटेशन के लिए हम लोग किस प्रकार से आगे आ सकते हैं, समाज किस प्रकार से आगे आ सकता है, ये उस कार्यक्रम का हिस्सा रहेगा।